कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो, हैं? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज। बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। उसका नियम था, दिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में। जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच गए। ध्यान नहीं रहा इनने तो, अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि ना नहीं तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। अब आधी रात के नर्मदा जी में नहीं, और विचार तो हमारे यहां हर चीज का एक समय बताया गया। हमारा शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी वजह से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्होंने स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए, तीसरा पहर चल रहा था और स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बना कर लेगा। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, दसम स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहां गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिए रात्रि के तीसरे पहर में। ओहो, मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए, वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कर ली कल, उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में। आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई। पर इतना जरूर है, अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी। आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया। गलती, हर चीज का एक समय होता है। उस ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर। अब
खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा। माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था, उसी से पाले थे। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा, उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी होगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम नामदेव आदि कादिक को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, यह पक्का। पास किसको कहते, भरोसा किसको कहते। अगर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भगवान लेगा जरूर। सोने को जब तक तपाओगे नहीं, तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है। चर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को यह भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें। तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम धारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं दो नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं दो नाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दो, तुलसी का दल। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर, जम के बोलिए जरा, उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे, उतने फटाके कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए। और एक बात और अच्छे से कह दें, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर,
और जितने फटाके वैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है, कार्तिक के महीने में, इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण, बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मैं खिचड़ी मिलेगी पाऊंगी, आज भूखी रह गई, जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी वो ढूंढ रही है कहाँ। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है, कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बाती ले आए, दीघा लगा गए, पर आप यहां नहीं आए तो जहां हो वहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन, जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। वो तो आज पहला दिन है इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया, अब उस पौधे में दो फूल लगे। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है बोया है वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला खरगोन वाली ने कि हमने तो केवल कथा सुनी थी, एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए, कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, यह पक्का, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर पहुंचे हो ना कुबेरेश्वर धाम, और जो नहीं आए वो टीवी पर विश्वास लेकर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास लेकर सुन रहे हो ना तो ये पक्का है, चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा, पत्थर पर भी छाए हो जाएगी, पत्थर पर भी छाव। विश्वास रखिएगा, अगर भोले बाप, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में जब धन कम होता है ना तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्या कम होगा? धन। जब आपकी विपदा का समय आएगा ना, समस्या का समय आएगा, जब आपके पास में सुख होगा, वैभव होगा, धन होगा, सत्ता होगी, तुम्हारी बात सारी दुनिया में होगी तो तुम्हारे भी ढेर रिश्तेदार बन जाएंगे, जो नहीं पहचानते होंगे वो भी कह देंगे भैरू सिंह तुम्हारा मौसा जी का लड़का है, हमारा काका का छोरा है। जब धन नहीं होगा, संपदा नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, तुम्हारा वैभव नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा, जरा सा किसी ने तुम पर उंगली उठा दी, जरा सा किसी ने आपके ऊपर लांछन लगा दिया, कुछ शब्द बोल दिए,
कोई शब्दों के बाण कस दिए। सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले वही भागेंगे और वही उंगली उठाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर दुख की घड़ी आती है, अगर कहीं काम बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपने वाले ही डीजे बजाते हैं। कौन बजाएगा डीजे? अपने वाले। नगाड़ा वही फूकेंगे, वो अरे क्या खिल्ली उड़ रही उनकी, अरे वो उनके साथ ऐसा हो गया। अपने होंगे जिनको तुमने खिलाया, जिनको तुमने पाला है, जिनके लिए तुमने 10 साल 15 साल 11 साल बर्बाद कर दिए, ले जा कर दिया जिसको, वही उंगली उठाकर कहेंगे ये देखो महाराज, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता तो दुनिया में हमा। आप उससे विनती तो करो, निवेदन तो करो। और आप अगर भाव रखकर आए हो, विश्वास रखकर आए हो, तो भगवान क्यों ना कृपा करेगा, क्यों ना कृपा करेगा। भरोसा अगर पक्का है तो शिव भी मिलेगा, भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा, भजन करो वो मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, विश्वास प्रबल है, तो वो मिलेगा। उसको ढूंढने में देरी है। दो फूल तोड़ लिए, जो खिचड़ी फेंकी थी उससे उगे थे। फूल रानी को दिए, रानी ने देखा कितने सुंदर फूल हैं, उसको सूंघ लिया। सूंघते से रानी का गर्व ठहर गया। फूल सूंघते गर्व ठहरा। समय आने पर दो बेटे हो गए। कितने पुत्र हुए? दो। समय आने पर दो पुत्र हो गए, दो बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते, जन्म लिया उस दिन से लेकर राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए, पर बेटे बोल नहीं पाते थे, निपट गूंगे कहते थे लोग इनको, कि बोलते नहीं है, गूंगे। ये दोनों बेटे वन में गए मृगा करने के लिए, हिरण मारने के लिए, कोई जीव को मारने के लिए, मृगा। वहीं पर बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी वो खिचड़ी भूल नहीं पाई थी, कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रही कटोरा। वो कह रहे हैं, रथ हांकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले हैं। बुढ़िया बोली, कहां गई खिचड़ी, कहां गया कटोरा, और वो दोनों बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। हो उसकी शुद्धता रही। रथ हांकने वाले ने कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं, तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द नहीं निकला, क्या बोले? तो क्या कुछ बोल रहे थे? खिचड़ी और कटोरा। खिचड़ी
खिचड़ी और कटोरा। हाँ, समझ में नहीं आया। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि गुरु जी ने बताया तारा स्नान, जो कि कार्तिक माह में स्नान किया जाता है। कार्तिक माह का स्नान का क्या महत्व है, तारा स्नान क्यों करते हैं, आप लोगों ने गुरु जी द्वारा सुना। सबको इसी प्रकार एक दो नियम बना के कार्तिक माह में चलना चाहिए। कार्तिक माह विष्णु लक्ष्मी माँ का को समर्पण होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।